ग्राम पंचायत पुटगुनी के ग्रामीणों ने पुलिस के चरस बरामदगी के खुलासे पर फिर सवाल उठाते हुए कहा है कि पुलिस अपराधियों को बचा रही है तथा निर्दोष ग्रामीण को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यहां बता दें कि कपकोट पुलिस ने बीते माह चरस बरामदगी के मामले का खुलासा करते हुए पुटगुनी निवासी हीरा सिंह को गिरफ्तार किया था। अदालत के आदेश पर हीरा सिंह फिलहाल अल्मोड़ा जेल में बंद हैं। इधर पुटगुनी के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी रंजना राजगुरु से मुलाकात कर कहा कि पुलिस ने पूरी कहानी गढ़ी है तथा हीरा सिंह को गलत तरीके से फंसाया गया है, जबकि पुलिस की इस कहानी गढ़ने में मदद करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हीरा सिंह के जेल चले जाने से उसके परिवार के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। चेतावनी दी कि यदि मामले की उच्च स्तरीय जांच करते हुए हीरा सिंह को रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इधर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। मैं मीरा देवी हूँ, हीरा सिंह की पत्नी हूँ। मैं गांव पुलगुनी से आई हूँ और मेरे पति को दोषी अंदर डाल दिया है। जो दोषी है उनको तो छोड़ दिया। मेरे पति उसी दिन गाड़ी में थे और हम गाड़ी में थे तो उन लोगों ने पता नहीं क्या कर गया सरस में पकड़ा मेरे को। तो दूसरे दिन थाने से फोन आया, तभी बताया, हमको पता ही नहीं था। गांव में पकड़ा और हरसिला में दिखा दिया उन लोगों ने। उनका नाम भी लो और अनर्थ हरी राम और दीवान टंगड़िया वहाँ थे, वो पता नहीं पकड़ के लाए थे। उनको पता नहीं, उनको कहा कि मैं बकरी के घराक आ रखे हैं, बोला उनको पकड़ के फिर गाड़ी में डाल के हरसिला पुल में। जब उनको पता ही नहीं था कि इसमें सरस है करके पता ही, जब हरसिला पुल में अनरसा पुल में उतरे तभी उनको पता चला कि इसमें सरस है, जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे। और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे सासू ससुर बूढ़े हैं और मेरे बच्चे, मैं किस चीज़ से किराया, मैं मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं अब इस बार तो मेरे शासन प्रधान जवाबदार, मैं अब आत्महत्या भी करूँगी और अपने बच्चों को लागे मैं आत्महत्या, इसका न्याय नहीं मिलेगा, मैं यहीं आत्महत्या करूँगी। मैं पुटगुनी का रहने वाला हूँ। हमारी पूरी जनता यहाँ पर आई है। ये 24 जनवरी की बात है, जिस दिन हीरा सिंह को पुलिस वालों ने जो है, पुलिस की टीम जो है वहाँ आई थी पुटगुनी में, पुलिस वाले जो सिविल ड्रेस में आए थे, ये प्राइवेट गाड़ियों में आए थे। ये लोग यहाँ वहाँ उरेड़ा और ये सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने के लिए वहाँ आए थे। इन्होंने पहले ज़मीन ढूंढी वहाँ, 150 नाली ज़मीन की बात कर रहे थे गांव वालों के बीच में। फिर उन्होंने क्या काम किया, इनके गाड़ी में जो है दो व्यक्ति, बागेश्वर का एक ये दीवान सिंह टंगड़िया जी जो पत्रकारी कारोबार करते हैं, मेरे ख्याल से मैं ये सुना है मैंने, और एक हमारे गाँव का ये हरिराम जो वो भी उस गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में पुटगुनी आए और इन्होंने हीरा सिंह को फंसाने के चक्कर में हीरा सिंह को कहा कि भैया ऐसा है तुम मेरे साथ चलो और हम पैसे नहीं गिन सकते हैं, मेरा पैसा गिनेगा और मुझे जो है ये कारोबार यहाँ, वो हमारी बात हो रही है, कोई ग्राहक आए हैं करके हीरा सिंह को बेफजूल वहाँ बुला के ले गए। वो गरीब व्यक्ति को, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो जनहित का काम करता है, वो सब लोगों का हितैषी है। हीरा सिंह जो अभी बंद हुआ है अल्मोड़ा जेल में, इस बेचारे को बाहर निकालने के लिए हमारी पूरी जनता यहाँ पर आई है। हमारी ये जनता यहाँ पर पूरा महिला पुरुष जो भी है, पूरे गाँव की, परसों भी आए थे हम यहाँ जनता दरबार, यहाँ डीएम साहब का यहाँ जनता दरबार लगाया था, उस दिन भी आए थे, आज भी हम आए हैं। हीरा सिंह को न्याय मिलना चाहिए। हीरा सिंह के बच्चे बाजार में किराए में रहते हैं, दो बच्चे हैं घर में, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ये निर्दोष व्यक्ति को फंसाया गया है, इस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। अगर इसको न्याय नहीं मिलेगा, हम दूसरी बार यहाँ पर एक हफ्ते में और आ गए हैं, न्याय नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसके बच्चे मीरा देवी जो अपने बच्चों को ले जाकर यहाँ पर एसपी कार्यालय में भी आएंगी और डीएम कार्यालय में, यहाँ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और ये जो ये उसके बच्चों का पालन पोषण के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और हमको न्याय मिलना चाहिए। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।